गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 21 ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक क्लास 5। बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज एंगल्स बाय सिंपली लुकिंग एट द एंगल्स। एंगल्स को देख करके ही कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सा एंगल है, किस तरह का एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल है, उसको देख करके हम गेस कर सकते हैं। तो जैसे बताए थे कि इस तरह का शेप जब भी बनता है, एल जैसा शेप जब भी बनता है तो वो एक राइट एंगल होता है। और यहां पर राइट एंगल से पहले जहां भी एंगल कहीं बनेगा, जैसे चाहे वो यहां पर एंगल बने, चाहे वो यहां एंगल बनता है, ये सब ये 90 डिग्री है यहां पर, तो इससे पहले इधर जहां भी कहीं पर एंगल बनेगा तो ये एक एक्यूट एंगल कहलाएगा। और ये तो राइट एंगल है ही, और इसके बाद इधर जहां कहीं भी एंगल बनेगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। इससे पहले होना चाहिए, इससे पहले और इसके बाद जहां भी कहीं पर एंगल बनेगा तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। जैसे ये देखे, ये जो एंगल बना हुआ है तो इसका 90 डिग्री यहां पर होता है, राइट एंगल यहां पर बनता है, और इससे पहले यहां पर ये एंगल बना हुआ है तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे ये एक एंगल बना हुआ है तो ये किस तरह का एंगल होगा, तो इसका 90 डिग्री यहां पर होता तो इसके बाद इधर बना हुआ है तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से देख करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है। अब यहाँ पर वही है, कुछ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। यहाँ पर पिक्चर्स को देखना है और फिर टेबल को फिल करना है। जैसे यहाँ पर सीजर्स कैंची के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये किस तरह का एंगल है, राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है। तो ये जो एंगल है ये लेस देन राइट एंगल है, इसीलिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। ये बुक में पहले से बना हुआ था, आगे खुद से बनाना है। जैसे ये जो एंगल है ये किस तरह का एंगल है, यहाँ जो आर्म्स के बीच जो ये एंगल बन रहा है तो ये एक राइट एंगल है, तो यहाँ पर इस यहाँ पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर काइट, काइट में देख रहे हैं तो ये जो एंगल है ये किस तरह का एंगल है, तो ये एक ये भी एक क्या है, राइट एंगल ही, यहाँ पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये किस तरह का एंगल है, ये जो एंगल है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन अ राइट एंगल वाले कॉलम में इसको टिक लगा देंगे। यहाँ देखें ये कौन सा एंगल है, ये भी मोर देन ही राइट एंगल है, तो यहाँ पर इस कॉलम में इसमें टिक लगा देंगे और इस तरह से बना लेंगे। आते हैं पेज नंबर 22 में। यहाँ कह रहा है सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स। सुखमन ने यह पिक्चर बनाया जिसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। यूज कलर पेंसिल टू मार्क राइट एंगल विथ ब्लैक कलर। आपको कलर पेंसिल का यूज करना है और इसमें जहां पर भी राइट एंगल होंगे उसको ब्लैक कलर से कलर कर देना है। एंगल्स विच आर मोर देन अ राइट एंगल विथ ग्रीन। और जहां पर मोर देन अ राइट एंगल होगा मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल होगा, वो उसको ग्रीन कलर से कलर कर देना है। एंड एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल विथ ब्लू। और जहां पर लेस देन अ राइट एंगल होगा मीन्स जहां पर एक्यूट एंगल होगा उसको ब्लू कलर से कलर कर देंगे। तो सबका एक एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ बता देते हैं। देखिए तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये यहाँ पर ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन राइट एंगल है, और उसको किस कलर से कलर करना है, ब्लू कलर से कलर कर देंगे। मोर देन राइट एंगल, जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल मोर देन राइट एंगल है। यहां पर जो एंगल देख रहे हैं ये भी मोर देन अ राइट एंगल है। तो इस तरह का एंगल जहां भी आपको दिखे, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये भी मोर देन अ राइट एंगल है, तो मोर देन अ राइट एंगल को ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। और उसके बाद जहां पर राइट एंगल है उसको ब्लैक कलर से कलर कर देना है। जैसे यहां देखें, ये जो देख रहे हैं ये राइट एंगल है, ये जो देख रहे हैं ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल को ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको आप खुद से, ये एक्टिविटी को खुद से करेंगे। ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शॉट। यहाँ पर एंगल के बगल में कोई भी एक पिक्चर खुद से क्या करना है, ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे
ये जो एंगल है इसके बगल में ये पिक्चर ड्रॉ किया गया। तो इसी तरह से आप भी जैसे पीछे वाले पिक्चर में देखें, एंगल के साथ ये सीजर्स बना दिया गया है, यहाँ पर राइट एंगल के साथ ये हैंड बना दिया गया है। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर एंगल के साथ एक पिक्चर बगल में ड्रॉ करना है, एंड ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, और ये भी लिखना है कि ये किस तरह का एंगल है। तो जैसे ये है लेस देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल है ये कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल है। ये कौन सा एंगल है, ये भी राइट एंगल ही है। ये ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, और ये भी एक्यूट एंगल। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। अब आते हैं पेज नंबर 25 में, एंगल इन नेम्स। कहता है कि आप जानते हैं कि हमारे नाम के जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, उनमें भी एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, ये एक नेम लिखा हुआ है SUKHMAN, सुखमन। तो यहाँ पर S जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर इसमें S में 4 एंगल्स बनते हैं। U देखें, U में भी 2 एंगल बनता है। तो इसी तरह से एंगल्स बनते हैं प्रत्येक लेटर में। अब जैसे ए को देखते हैं, हम ए लेते हैं, एक लेटर है ए, ये देखें ए लिखे हैं। तो इसमें टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, ए में देखते हैं, यहाँ पर एक एंगल बनता है, दूसरा एंगल यहाँ बनता है, तीसरा एंगल यहाँ बनता है, नेक्स्ट एंगल यहाँ बनता है, और एक और एंगल यहाँ बनता है। तो टोटल ए में टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, 5 एंगल्स बनते हैं, जिसमें 3 जो है वो ये देखें, ये एक्यूट एंगल है। ये पहला वाला जो है ये एक्यूट एंगल है, ये एंगल देखें ये भी एक्यूट एंगल है, और ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये भी एक्यूट एंगल ही है, और बाकी ये जो 2 एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। इसमें टोटल 3 एक्यूट एंगल बनते हैं, 3 एक्यूट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल बनते हैं, राइट एंगल इसमें एक भी नहीं है। तो इसी तरह अब ये जो सुखमन नाम लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं टोटल कितने एंगल्स होते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले नेम लिख लेंगे, SUKHMAN, सुखमन लिख लिए। प्रत्येक लेटर में नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कितना है, नंबर ऑफ राइट एंगल कितना है, और नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल कितना है वो पता करते हैं। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल है, आप देखकर ही पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो दूसरा एंगल है ये भी राइट एंगल है, ये एंगल भी राइट एंगल है, और ये भी राइट एंगल ही है। तो टोटल एस में 4 राइट एंगल्स बनते हैं, एक्यूट एंगल एक भी नहीं है तो 0 दे देंगे, और ऑब्ट्यूस एंगल भी एक भी नहीं है तो वहां पर भी 0 दे देंगे। इसी तरह फिर यू में आते हैं, तो यू में भी ये दोनों जो है राइट एंगल ही है, तो 2 राइट एंगल दे देंगे, एक्यूट एंगल 0, ऑब्ट्यूस एंगल 0। उसके बाद आते हैं के में, तो के में ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है, और ये भी एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये मोर देन राइट एंगल है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल है। तो के में 2 एक्यूट एंगल बनते हैं और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, राइट एंगल एक भी नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एच पे, तो एच में भी टोटल 4 एंगल्स हैं और 4 राइट एंगल ही है, तो एक्यूट एंगल इसमें 0 हो जाएगा, राइट एंगल 4 और ऑब्ट्यूस एंगल 0। उसके बाद एम में टोटल 3 एंगल्स बनते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, जिसमें 2 जो है वो एक्यूट एंगल है, ये और ये दोनों एक्यूट एंगल है, और ये जो है ये एक राइट एंगल है। तो 2 एक्यूट एंगल और 1 राइट एंगल, ए में अभी बताया ही है जस्ट, ए में 3 एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल एक भी नहीं होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल 2 होते हैं। उसके बाद आते हैं एन पे, तो एन में भी 2 ही एंगल बनते हैं और ये दोनों एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल 0 हो जाएगा और राइट एंगल भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लेटर्स में पता करते हैं कि एंगल कैसे बनता है, कितना बनता है। यहाँ पर है राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। आपको यहाँ पर 3 नेम्स लिखने हैं और एंगल्स काउंट करना है, नंबर ऑफ राइट एंगल इनमें कितने बनते हैं, नंबर ऑफ मोर देन अ राइट एंगल कितना बनता है, नंबर ऑफ एंगल लेस देन अ राइट एंगल कितना बनता है, वो यहाँ पर लिखना है। जैसे एक नेम देखते हैं, यहाँ पर साक्षी लिखा हुआ है, SAKSHI, और नेम जैसे लिखते हैं उस तरह नहीं लिखना है, स्ट्रेट लाइंस की मदद से लिखना है,
तभी जाकर के उनमें एंगल बनेगा। जैसे एस लिखा है तो एस में तो अभी बताए थे जस्ट कि उसमें फोर राइट एंगल बनते हैं, और फिर ये दो बार एस लिखा हुआ है तो फोर और फोर एट हो जाएगा टोटल, और एच में भी फोर एंगल बनते हैं राइट तो 12 हो गया, और आई में भी चार 1 2 3 4 चार राइट एंगल होगा, तो टोटल साक्षी में 16 जो है वो राइट एंगल बनते हैं। उसके बाद मोर देन अ राइट एंगल कितना है, तो ए में 2 होते हैं मोर देन अ राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, और के में 1 होता है, तो टोटल 2 और 1 कितना हो गया मोर देन अ राइट एंगल 3 हो गया। उसके बाद लेस देन अ राइट एंगल कितना होता है, तो ए में 3 होता है और के में 2 होता है, तो टोटल 3 और 2 कितना हो गया 5, तो लेस देन अ राइट एंगल टोटल कितना हो जाएगा 5। तो इसी तरह से दो और नाम नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं, उनमें उनके लेटर्स में नंबर ऑफ राइट एंगल कितना है वो यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ मोर देन अ राइट एंगल कितना है वो लिखना है, नंबर ऑफ लेस देन अ राइट एंगल कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक यू।